बट फुटबॉल फॉलोइंग से ज्यादा पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है फुटबॉल में. पाकिस्तान की टीम नहीं जाती बिकॉज फीफा ने अभी तक बैन नहीं हटाया है, बट और अलग कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर होती है. अभी हमें जैसे कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि UCL फाइनल में जो फुटबॉल यूज़ की गई थी वो पाकिस्तान सियालकोट में बनी थी. एंड नाउ फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होने वाला है उसकी फुटबॉल भी पाकिस्तान में बन रही है. इनफैक्ट तैयार हो चुकी है. अल रिहला नाम है उसका और वो सियालकोट की एक फैक्ट्री है जिसमें बन रही है. बट पूरी डिटेल्ड क्या चीज़ है, कैसे बन रही है वो, क्या क्या है उस पर, क्या उसके अलग अलग फीचर्स हैं, बिकॉज जब आई बिलीव जब ब्रजुका बनी थी तो उसके भी अलग अलग फीचर्स थे. बड़ा थॉट प्रोसेस से वो फुटबॉल बनाई गई थी. तो समा टीवी के नुमाइंदे शहजाद अहमद वो हमें बताएंगे इस पैकेज में कि कैसी है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फुटबॉल. फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी ना सही, लेकिन फुटबॉल तो पाकिस्तानी ही होगी. 2014-2018 के बाद कतर में शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फुटबॉल भी सियालकोट में तैयार. अभी तीसरी दफा अल्लाह ने मौका दिया कि हम ये फीफा वर्ल्ड कप का मैच बॉल बना रहे हैं. अल रिहला नामी फुटबॉल को कतर की सकाफत मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें कतरी परचम के रंग नुमाया है. 20 पैनल्स के ऊपर है, स्पेशल डिजाइन किया गया हुआ है और ये मोस्ट एरोडायनेमिक बॉल समझा जा रहा है इस पैनल शेप के अंदर. इसके अंदर बेशुमार टेस्ट हुए हैं और दिस इज प्रूव्स टू बी द बेस्ट बॉल. रवान साल 21 नवंबर से कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होगा. मेगा इवेंट की ट्रॉफी 7 जून को पाकिस्तान पहुंच रही है. कैमरामैन आदिक के साथ शहजाद अहमद समा सियालकोट. सो अदील कहीं कंट्रीब्यूशन हो ना हो हमारी टीम खेले या ना खेले फीफा वर्ल्ड कप में, बट एटलीस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट जरूर. आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने अपनी एक नीश स्पोर्ट कोर्ट्स में तो पाकिस्तान की अपनी है. और एक ज़माने में ज़ाहिर बहुत बड़ा चैलेंज, अगर आपको याद हो आपसे कोई तकरीबन 20-22 पहले की बात है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के हवाले से, बच्चा मुशक्क़त के हवाले से पाकिस्तान से ये फुटबॉल्स वगैरह बननी बंद हो गई थी. सियालकोट में बताया ये गया था कि जी बच्चे क्योंकि वो बना रहे होते हैं रदर देन गोइंग टू, पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चली थी चाइल्ड लेबर के हवाले से. तो पाकिस्तान की जो फुटबॉल इंडस्ट्री थी, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी, काफ़ी हिट ली थी. लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ दैट बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड अ लॉट ऑफ मैकेनाइजेशन केम इन. और ज़ाहिर है जो एडिडास जो ग्लोबल कंपनी जिसके पास फीफा का ये कॉन्ट्रैक्ट है, दे ट्रस्ट दीज पाकिस्तानी फुटबॉल. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दैट वॉज जब पता चला था जी UCL के फाइनल UEFA चैंपियंस लीग में पाकिस्तानी फुटबॉल और यहाँ भी यूज़ हो रहा है. पाकिस्तान के फुटबॉल के कप्तान सदाम ने जो है तहम उस तरफ इशारा किया था कि दुनिया की बेस्ट फुटबॉल पाकिस्तान में बनती है, बट पाकिस्तान में खेलने के लिए बहुत ही लो क्वालिटी बॉल्स मिलती हैं. इस पर एक अलग से टॉपिक होना चाहिए सवेरा, वी शुड टॉक अबाउट दैट.